हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट. माय सेल्फ रिशिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक क्विज, जो कि हमारे इनसाइट आईएएस की है और ये नवंबर मंथ की चल रही है. तो हम लोग इसमें काफ़ी लेसन कंप्लीट कर चुके हैं. आज हमारी ये लेसन एंड हो जाएगी और कल से हम लोग दिसंबर मंथ की स्टार्ट करेंगे. तो इन्वायरमेंट की कुछ 10 क्वेश्चंस बची हुई है, उसको मैं आज डिस्कस कर देती हूँ. तो मेरे आंसर देने से पहले आप लोग ज़रूर अपने आंसर को टिक कर लीजिएगा, और रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी. प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन. तो स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन नंबर से. ये आज के लिए आपकी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है. ओके, तो यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है. 3 स्टेटमेंट दी गई है, वो भी डिकम्पोजिशन को लेकर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में है फ्रैगमेंटेशन को लेकर. फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है? इट मींस कि यहाँ पे बैक्टीरिया और जो फंगल एंजाइम्स है वो डिग्रेड होती है, डिट्रिटस में होती है डिग्रेड, और ये आपके सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में होती है. सेकेंड है मिनरलाइजेशन, इट मीन्स कि ह्यूमस जो है वो यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स के द्वारा डिग्रेड किए जाते हैं और इससे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है वो रिलीज़ होती है. थर्ड है यहाँ पे कैटाबॉलिज्म, ये क्या है कि अर्थवर्म जो है वो यहाँ पे डेट्रिटस को ब्रेक डाउन करते हैं, वो भी स्मॉल पार्टिकल्स में. तो यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है. फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड ओनली, सेकेंड एंड थर्ड, एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड. ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी. इट मीन्स कि सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे आपकी इनकरेक्ट है. तो डेट्रिवोरस का बात करें तो यहाँ पे इसको अर्थफॉर्म कहते हैं, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये आपका ब्रेक डाउन हो जाता है. इस प्रोसेस को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. तो यहाँ पे लीचिंग के प्रोसेस से जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रेंट है ना, वो यहाँ पे आपके सॉइल होराइजन में चले जाती है और उसके बाद ये प्रेसिपिटेटेड होती है, जैसे कि अनअवेलेबल साल्ट है. ओके, तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल और जो फंगल एंजाइम्स है वो यहाँ पे सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो ब्रेक डाउन होती है, इसको हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं. तो जो फर्स्ट और सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट है ये आपकी यहाँ पे इंटरचेंज है. ओके, फ्रेगमेंटेशन की मतलब ये होती है और कैटाबॉलिज्म की मतलब ये होती है. तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन बनता है, जिसमें कि आपको ऑप्शन जो है इंटरचेंज देखने को मिलेंगे. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे आपको इनकरेक्ट बतानी है. फर्स्ट स्टेटमेंट है कि डीकम्पोजिशन इज़ लार्जली एन एरोबिक प्रोसेस. सेकेंड है कि जो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन है वो यहाँ पे केमिकल कम्पोजिशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो भी यहाँ पे डेट्रिटस और जो क्लाइमेट फैक्टर की है. साथ ही सेकेंड है कि डिकम्पोजिशन रेट जो है वो फास्टर हो जाती है अगर डेट्रिटस जो है वो यहाँ पे लिग्निन और जिटिन में अगर रिच होती है. तो यहाँ पे आपको गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड. सो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वो है सी. इट मीन्स कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. ओके, डिकम्पोजिशन की बात करें तो ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो इसको हम लोग एनएरोबिक नहीं कह सकते, एरोबिक कह सकते हैं. जिसमें कि ऑक्सीजन होती है उसको हम लोग एनएरोबिक कहते हैं. तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन की रेट है वो केमिकल कम्पोजिशन से ही यहाँ पे कंट्रोल होती है, और पर्टिकुलर अगर हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन में देखें तो जो डिकम्पोजिशन की रेट है वो स्लो हो जाती है अगर ये हमारी डेट्रिटस जो है वो लिग्निन और चिटिन में हमारी ये आपकी जो है अगर यहाँ पे आपकी रिच होती है तो. ओके, तो यहाँ पे हमारी थर्ड स्टेटमेंट है कि ये डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाती है, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन हमारी स्लो हो जाती है. ओके, डिकम्पोजिशन मतलब ही होता है जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो टूट टूट के जब छोटे पार्टिकल्स में आपके पूरी तरीके से टूट जाते हैं, फिर वो मिट्टी के साथ घुल जाते हैं, तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं. ओके, अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में. यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, और यहाँ पे फूड चेन के बारे में कहा जा रहा है, जो हमारे इकोसिस्टम में फूड चेन है उससे रिलेटेड. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एक फूड चेन जो है ये एक तरीके का ऑर्डर है, जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स क्या फीड करते हैं और एक दूसरे पे किस तरीके से वो फीडिंग का जो प्रोसेस होता है, यानी कि एक इंसान मतलब कि जैसे कि आप लोग देखते हो कि ग्रास को ग्रास ऊपर खाती है, फिर ग्रास ऊपर को यहाँ पे स्नेक वगैरह खाते हैं, तो ये एक आपका फूड चेन चलता है. सेकेंड है कि फूड चेन जो है ये आपका पाया जाता है स्पीसीज के पॉपुलेशन के अंदर में. थर्ड है यहाँ पे कि फूड चेन जो है वो नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे इलस्ट्रेट करती है, जो भी दूसरे के द्वारा खाया जाता है. तो इसमें आपको करेक्ट बतानी है. फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या फिर नन. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए. इट मीन्स कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी करेक्ट है, बाकी यहाँ पे सेकेंड और थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है. फूड चेन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया जाता है कि किस तरीके से मीन्स कि कैसी एनर्जी है और न्यूट्रिएंट है जो कि इकोसिस्टम में आपकी घूम रही है. अगर बेसिक लेवल पे देखें तो यहाँ पे प्लांट है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है, फिर ये हायर लेवल ऑर्गेनिज्म में जाती है जो कि हर्बीवायरस होते हैं. हर्बीवायरस वो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट खाते हैं. फिर उसके बाद कार्निवायरस आते हैं, कार्निवायरस जो कि यहाँ पे आपके हर्बीवायरस को खाते हैं. फिर एनर्जी इस तरीके से आपका ट्रांसफ़र होता है. फूड चेन में बात करें तो एनर्जी जो है वो वन लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फूड के फॉर्म में वो ट्रांसफ़र होती है, और यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, और डिकम्पोजिसर है, जो कि सारे पार्ट्स ऑफ द फूड चेन में. ओके, तो ये सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई, बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में.
यहाँ पे आपको थ्री स्टेटमेंट दी गई है, वो भी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को लेकर। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए कि आपको करेक्ट बतानी है। ओके, तो एक सेकेंड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे सेटअप किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सेकेंड है कि यहाँ पे ये ऑटोनोमस बॉडी का इसको स्टेटस दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है कि ये परफॉर्म करती है फैसिलिटेटिव और रेगुलेटरी और एडवाइसरी फंक्शन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के पर्टेनिंग को इशू किया जाता है या फिर इनके कंजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड ऑली या फिर फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारी बी। इट मीन्स कि सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट हमारी वैसे भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसको इसके लिए नहीं सेटअप किया गया था। ये हमारे जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेटअप किया गया था। ओके, अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में जो कि यूनाइटेड नेशन की REDD प्रोग्राम के बारे में है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में तीन स्टेटमेंट है आपको करेक्ट बतानी है। ये कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कि यूनाइटेड नेशन की है, साथ ही UNDP और UNEP के साथ भी है। जो इंसेंटिव्स है जो कि REDD जो ये यहाँ पे आपका रिसीव होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए होता है और इसको फिर लोकल कम्युनिटीज़ में पास किया जाता है जो भी यहाँ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट और मैनेज करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड है कि यहाँ पे आपका इंसेंटिव्स भी इंक्लूड है, वो भी पॉजिटिव एलिमेंट के लिए कि किस तरीके से हम लोग फॉरेस्ट को यहाँ पर कंजर्व करेंगे और सस्टेनेबल मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो तीनों है। इट मीन्स कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। डी इज़ द करेक्ट आंसर हो गई हमारी। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सन जो है वो सिर्फ ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे इकोसिस्टम के लिए। सेकंड है कि अगर हम लोग इंसिडेंट जो सोलर रेडिएशन है उसमें से देखें तो मोर देन जो 90% है इसकी जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। थर्ड है कि प्लांट जो है कैप्चर करती है सिर्फ 2 से 10% जो कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है और इस एनर्जी को सस्टेन किया जाता है पूरे इंटायर लिविंग वर्ल्ड में। तो यहाँ पर आपको करेक्ट बतानी है कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड ओनली, सेकेंड एंड थर्ड। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे सी। इट मीन्स कि थर्ड स्टेटमेंट ही यहाँ पे करेक्ट है। ओके, अगर हम लोग डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम की बात करें तो सन जो है वो सिर्फ आपका ओनली सोर्स हो जाएगा अगर हम लोग इसको छोड़ के बात करें तो। साथ ही इंसिडेंस की बात करें यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन है लेस देन 50% तक ही आपका इंसिडेंट होता है। मीन्स यहाँ पे आपका जो फोटोसिंथेटिकली जो एक्टिव रेडिएशन है वो लेस देन 50% होता है। तो यहाँ पे आपकी पहली स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट थी और ये 50% है इसलिए यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अगर हम लोग नेचर में देखें तो एनर्जी जो फ्लो होती है वो बाई डायरेक्शनल है। सेकंड है कि कोई भी एनर्जी जो है जो भी ट्रैप्ड की जाती है ऑर्गेनिज्म में वो यहाँ पे फॉरएवर रहती है। थर्ड है कि जो ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है वो हमारे डेट्रिटस फूड चेन का यहाँ पे एंड हो जाता है। तो यहाँ से आपको इनकरेक्ट बतानी है यानी कि गलत स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। सो यहाँ पे जो गलत आंसर है हमारी वो है यहाँ पे दो स्टेटमेंट गलत है, सी है। इट मीन्स कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके सी हो गए क्योंकि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है, सन से प्रोड्यूसर में जाती है फिर यहाँ पे कंज्यूमर में जाती है, बैक तो नहीं आती है, बाई डायरेक्शनली है नहीं। जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और कोई भी एनर्जी अगर ऑर्गेनिज्म में जो टैप होता है वो उसमें फॉरएवर रहता है और एनर्जी जो यहाँ पे प्रोड्यूसर से टैप किया जाता है या तो वो कंज्यूमर में पास हो जाता है या फिर ऑर्गेनिज्म में ही रह के वो डाई हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं तीन स्टेटमेंट दिया गया। फर्स्ट है कि टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है जो कि फ्लो होती है डेट्रिटस फूड चेन से और ये आपका ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू होती है। सेकेंड है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज होती है वो भी एक सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल में। थर्ड है कि ऑर्गेनिज्म जो हर एक ट्रॉपिक लेवल में है वो यहाँ पे डिपेंड है उन सारे लोअर ट्रॉपिक लेवल जो कि एनर्जी डिमांड कर रहे हैं। तो इसमें से आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, डी इज़ द करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको बताना कि जो कंपोस्टिंग प्रोसेस है वो डिपेंडेंट है तो इनमें से कौन सी फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि कंपोस्टिंग जो प्रोसेस है वो किस किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से होती है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या फिर एंटीनो बैक्टीरिया। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी। इट मीन्स कि बैक्टीरिया, फंजाई और यहाँ पे आपकी एंटीनो बैक्टीरिया हो गई, वायरस नहीं होती है। ओके, साथ ही अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड है, ये करेक्ट आपको बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कोई भी अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री जो सेंचुरी की और नेशनल पार्क की है वो यहाँ पे बनाया जाएगा एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जो यूनियन कैबिनेट की है। सेकेंड है कि जैसे एक्टिविटीज़ है आपकी एग्रीकल्चर की और माइनिंग की वो प्रोहिबिटेड होती है नेशनल पार्क में, तो आपको यहाँ पे करेक्ट बतानी है फर्स्ट ऑली, सेकेंड ऑली, बोथ या फिर नन।
सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इट मीन्स कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि जो अल्टरेशन होता है नेशनल पार्क की बाउंड्री का वो यहाँ पे नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा यहाँ पे आपका डिसाइड किया जाता है, ना कि यहाँ पे यूनियन कैबिनेट के द्वारा। ओके तो यहाँ पे आपकी पूरी 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गई है, आपको 10 में से कितने मार्क्स आए हैं ज़रूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।